अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं फैज मलिक और आप देख रहे हैं इस्लामी अखलाक। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप सबसे गुजारिश करता हूं कि अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल का जो आइकन है उसको दबा दें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों को मिलता रहे। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज जो ख़ास वजीफ़ा लेकर मैं आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ, ये अल्लाह ताला के एक बहुत ही ख़ास नाम का वजीफ़ा है। इस एक नाम को आपने जुम्मे के दिन कसरत के साथ चलते फिरते अगर आप अल्लाह ताला का ये एक नाम पढ़ लेते हो तो इंशाल्लाह ताला अगर आपके घरों में रिज़क की बारिश ना हुई तो फिर आप कहना आपके घरों में रिज़क की बारिश होगी, माल और दौलत से आपका घर इंशाल्लाह भर जाएगा। मेरी वो बहनें और भाई जिनके घरों में रिज़क में तंगी आ चुकी है, जिनके घरों में गुर्बत है, तंग दस्ती है, तो अल्लाह पाक का ये एक नाम जुम्मतुल मुबारक के दिन कसरत के साथ चलते फिरते उठते बैठते चाहे कोई भी काम कर रहे हो, अल्लाह ताला का ये एक नाम या वहाबू या वहाबू या वहाबू इस एक नाम को पढ़ते रहें। अपनी माली परेशानी का तसव्वुर अपने जहन में रखकर इंशाअल्लाह ताला आपके घरों में रिज़क की बारिश होगी और आप इंशाअल्लाह ताला आखिरी सांस तक हमें दुआओं में याद रखोगे। मेरी बहनों और भाइयों, जुम्मतुल मुबारक के हवाले से चंद फजाइल आपकी खिदमत में पेश करता हूँ। हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जुमा का दिन उन तमाम दिनों में से सबसे बेहतरीन दिन है जिनमें सूरज निकलता है। जुम्मे के दिन हज़रत आदम अलैहिस्सलाम पैदा हुए, इसी दिन कयामत कायम होगी और ये मुसलमानों के लिए ईद का दिन है। तो मेरी बहनों और भाइयों, जुम्मा के दिन के हवाले से और भी बहुत से फ़ज़ाइल और बरकात हैं। जुम्मा के दिन कोशिश किया करें कि ज़्यादा से ज़्यादा नेक अमाल किया करें, पांच वक्त की नमाज़ पढ़ें और हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में कसरत के साथ दुरूद पाक भेजें। इंशाअल्लाह ताला इस ख़ास दिन की बरकत से आपकी सारी जो परेशानियाँ हैं, जो आपकी मुश्किलात हैं, वो अल्लाह ताला की बारगाह में ज़रूर पूरी होंगी और हर परेशानी आपकी ज़रूर हल हो जाएगी। तो जो ख़ास अमल मैंने आपको बताया जुम्मे के दिन के हवाले से, या वहाबो या वहाबो या वहाबो पढ़ते रहें, आपके घरों में रिज़क की बारिश होगी इंशाअल्लाह ताला। इस ख़ास अमल को आप खुद भी करें और इस अमल को सदका जारिया समझकर दूसरे मुसलमान बहन भाइयों तक भी लाजमी शेयर करें ताकि वो भी इस अमल को करें, इस अमल को करके वो भी फैज़याब हो जाएं।